मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत जसवंत नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते रहे। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है, हमारी पूरी पार्टी सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है और हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और लीड यहाँ से ही सबसे ज्यादा सपा को मिलती रही है और डिंपल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे 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 सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ी। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा निश्चित रूप से। आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 2017 तक के उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई महोत्सव इस बार होगा, जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह के? जैसा मैंने कहा नहीं कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए, चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं, पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं, अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूम। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे।